बस कुछ ही देर के बाद माता का दरबार खुलने वाला है, सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, भोला राज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ब्लॉग सीधा खेत से, क्योंकि आज रविवार है और विद्यालय की छुट्टी है, तो आज इधर का काम देखने वाले हैं। मौसम अभी 7 बज चुका है और चारों ओर घने बादल लगाए हुए हैं। अब देख सकते हैं सूर्यदेव भगवान अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और माला उधर प्याज के खेतों में पानी डालने का काम कर रही है। हालांकि बादल है, लेकिन पता नहीं कितना वर्षा होगा, पानी डाल रही है। कम कम पटाइएगा, कहे कि वर्षा होने की उम्मीद हो गया सबका। उतने में बंद कीजिए, उतने में बंद कीजिए, जल्दी बंद कीजिए, तो पता चलेगा कि ज्यादा पटा दिए हैं। माला भी काम पूरा कर चुकी है, अब चलेंगे घर की ओर। अभी खेत से लौटने के बाद स्नान ध्यान करके हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और अभी जाने वाले हैं माँ भद्रकाली, जो हमारे यहाँ की प्रसिद्ध माता का मंदिर है, वहाँ जाने वाले हैं। और माला भी तैयार हो चुकी है, चलिए तैयार हो चुके हैं। और 10 बज चुका है, बिल्कुल लेट हो चुके हैं हम लोग। चलो भाई, चलो 10 बज गए, चलो। अभी मैं पहुँच गया हूँ अपना ससुराल, और ये गाड़ी को लेके जाने वाले आज हम लोग। ये पहले मिनी ट्रक था ना, और कन्वर्ट किया गया अभी किसमें, सवारी गाड़ी में। सुमित का नाम लिखा हुआ है, राधिका का। चलिए हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, इतने लोग जाने वाले हैं। सब जाने वाले हैं ना, इधर भी, अरे किधर भी है, आप नहीं है जाने वाले। चलिए चलिए, इतने लोग सवारी है ना भाई। अभी सब लोग हम लोग बैठ चुके हैं और चलने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और ये गाड़ी चलाने में थोड़ा सा और इसलिए लग रहा है क्योंकि ना इसमें पावर स्टीयरिंग है और ना ही पावर ब्रेक है, तो थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। और अभी हम लोग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में और हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माँ भद्रकाली के दरबार में, और अभी गाड़ी को पार्क करेंगे, फिर दर्शन के लिए चलेंगे। अभी भक्तों की एक टोली पहुंची है, माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं पूरे गाजे वाले के साथ। भक्ति देखने को मिलती है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए चलिए जी, हो गया, चलिए। अभी हम लोग मंदिर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी, अभी माता रानी का दरबार बंद है और हम लोग को अभी आधे घंटा और इंतजार करना है। 1 बजे दरबार पुनः खुलेगा, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद माता का दरबार खुलने वाला है, सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं। और अब माता का दर्शन कर रहे हैं सभी भक्त लोग, भीड़ अच्छी खासी है। माता के दर्शन करके अब हम लोग बाहर की तरफ स्नान करेंगे। चलिए, या हम लोग पूजा करके वापस निकल चुके हैं। आइए माता के दर्शन करने के पश्चात अब पंचमुखी
हनुमान महाराज का दर्शन, इसके बाद शनि देव का दर्शन, तत्पश्चात फिर देवों के देव महादेव भोले शंकर के दर्शन के लिए इनके परिसर में चलेंगे। भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात सभी लोग अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। अभी अभी 1:35 हो चुका है, हम लोग अभी पूजा करके वापस आ रहे हैं। सभी लोग कहाँ गए? और तो खाल देखो चली जाइए। चलो जी, अभी हम लोग गाड़ी का रसीद कटवा लिए हैं, माता रानी के दरबार में ये सुविधा रहता है। हम लोग के पूजा हो गया है। गाड़ी में बैठिए, बैठिए, जल्दी जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और लगभग 1 घंटा लगेगा घर पहुँचने में, क्योंकि तो रास्ता कुछ खराब है और थोड़ा बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा चलाना पड़ता है। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आज माला उल्टी नहीं की है, काहे कि बहुत धीरे धीरे आए ना। इसमें नहीं हुआ ना, चलिए इतने सवारी थे। आइए आइए सब आइए। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और किट्टी देखिए क्या कर रही है। खाई किट्टी, पहले खाना खाओ। कहाँ खाई, झूठ भी बोलती है। दोस्तों अभी रात्रि का भोजन चल रहा है और अभी फ्राई राइस मैं खा रहा हूँ चोखा के साथ। चलिए खाना खाया हुआ हो गया, निकलो। टीवी बंद करो, टीवी नहीं देखना है। चलिए दोस्तों रात्रि के 10 बज चुके हैं और मेरा लगभग एडिटिंग का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और अब समय है विश्राम करने का। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वंदे मातरम भारत माता के साथ। जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। इति शुभम।